महर्षि वाल्मीकि सतयुग के एक महान ऋषि हुआ करते थे। उन्हें डाकू वाल्या के नाम से जाना जाता था। एक महान ऋषि को डाकू क्यों कहा जाता था? यदि वो डाकू थे तो वो एक महान ऋषि किस प्रकार बन गए, इस बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग के समय में एक डाकू वाल्या हुआ करता था। वो बहुत निर्दयी था। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो आने जाने वाले लोगों को लूटता था। वो अपने हाथ में धारदार कुल्हाड़ी लिए और गले में व्यक्तियों के कटे हुए उंगलियों की माला लटकाए वन में जाया करता था और वन में से होकर जाने वाले यात्रियों को लूट लिया करता था और उनकी उंगलियों को काटकर उसे अपने गले की माला बनाकर पहनता था। डाकू वाल्या का इतना भय था कि उसके डर से कोई भी यात्री उस वन में नहीं जाता था। एक दिन डाकू वाल्या वन में से होकर जाने वाले यात्रियों का इंतजार कर रहा था। तभी नारद मुनि और अन्य ऋषि उसी वन से होकर जा रहे थे। डाकू वाल्या ने नारद मुनि और ऋषियों को रोका और उनसे उनकी सारी चीजें छीनने लगा। तभी नारद जी ने डाकू वाल्या से कहा, तुम मेरा सारा सामान लेना, किंतु उससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। डाकू वाल्या ने कहा, ठीक है। इस पर नारद जी ने कहा, तुम इस वन में से होकर जाने वाले यात्रियों का सारा सामान लूटकर उनकी उंगलियां काट देते हो, क्या उनकी कटी हुई उंगलियां तुम वापस जोड़ सकते हो? ये सुन डाकू वाल्या ने कहा, ये किस प्रकार संभव है? नारद जी ने कहा, यदि जोड़ नहीं सकते तो काटते क्यों हो? अच्छा ये बताओ, तुम यात्रियों को क्यों लूटते हो? डाकू वाल्या ने कहा, मैं यात्रियों को लूटकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूँ, उनका पेट भरता हूँ। नारद जी ने कहा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस पाप के भागीदार है? डाकू वाल्या ने कहा, हाँ मेरा परिवार मेरे साथ है। नारद जी ने कहा, नहीं मैं नहीं मानता, तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार से पूछ कर आओ, तब तक मैं यही रहूंगा। डाकू वाल्या ने कहा, तुम मुझसे छल करना चाहते हो? नारद जी ने कहा, यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो ये मेरा वाद्य ले जाओ और हमें एक रस्सी से इस वृक्ष से बांध कर जाओ। डाकू वाल्या वाद्य ले गया और उन सबको एक रस्सी से पेड़ से बांध गया। डाकू वाल्या के घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं तुम सबके लिए आने जाने वाले लोगों को लूटता हूँ, उनकी उंगलियां काट लेता हूँ और तुम सबकी जरूरतें पूरी करता हूँ, तो मैं जो ये पाप करता हूँ उस पाप में तुम सब मेरे भागीदार हो ना? इस पर डाकू वाल्या की पत्नी बोली, आप हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो आपका कर्तव्य है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी भागीदारी नहीं है। भला आपके किए हुए पापों के भागीदार हम क्यों बने? ये सुनकर डाकू वाल्या निराश हुआ और नारद जी के पास वापस गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, आपने ठीक कहा था, मेरे परिवार वाले मेरे पाप में सहयोगी नहीं है, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा, तुम भगवान विष्णु के अवतार राम नाम का जाप करो। जब डाकू वाल्या अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा था तो वो राम का नाम बड़े मुश्किल से ले पा रहा था, क्योंकि उसने हमेशा काटो मारो और मरा जैसे शब्दों को अपनाया था, इसीलिए वो राम की जगह मरा मरा कहने लगा।
उसका शरीर सूख कर काटा हो गया और चीटियां लग गई, जिससे उन्हें वाल्मीकि का नाम मिला। उन्होंने कठिन तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तथा ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार हमारे जीवन में हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल केवल हमें ही भुगतना पड़ता है, हमारे पापों का कोई और भागीदार नहीं होता। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पूर्व विचार अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।